फिलिस्तीनियों के साथ बढ़ते तनाव के बीच इसराइल ने कहा है कि वो गाजा पट्टी से लगी अपनी सीमा पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करेगा। पश्चिमी तट में 3 इसराइली युवकों की हत्या के बाद यरूशलम में 1 फिलिस्तीनी किशोर की हत्या हुई थी। इसराइल का कहना है कि गाजा से फिलिस्तीनी चरमपंथियों की ओर से हो रहे रॉकेट हमलों के जवाब में ये फैसला लिया गया है। वहीं इजरायली सेना का कहना है कि ये कदम तनाव बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए किया गया है। इस बीच पूर्वी यरूशलम में फिलिस्तीनियों ने लगातार दूसरे दिन मोहम्मद अबू खदर के अपहरण और हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया। इस्लामी राज्य नामक सुन्नी उग्रवादियों के गिरोह ने इराक और सीरिया की सीमा पर स्थित सीरिया के सबसे बड़े तेल के कुओं पर कब्जा कर लिया है। लंदन स्थित सीरियाई मानवाधिकार जांच संगठन ने ये जानकारी दी है। इस्लामी राज्य गिरोह ने जबहत अन-नुसरा गिरोह के उग्रवादियों पर हमला करके उनसे अल ओमार नामक तेल भंडार पर अधिकार कर लिया है। जबहत अन-नुसरा के उग्रवादियों ने इस्लामी राज्य के उग्रवादियों का मुकाबला नहीं किया और वे पीछे हट गए। अब सीरिया के दैर एज़ोर सूबे के ज्यादातर तेल और गैस के भंडार इस्लामी राज्य गिरोह के कब्जे में आ गए हैं। इसके अलावा इस्लामी राज्य गिरोह के उग्रवादियों ने दैर एज़ोर सूबे के मायादीन और शखैल नगरों पर भी कब्जा कर लिया है। शखैल नगर में जबहत अन-नुसरा गिरोह का अड्डा बना हुआ था। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट को लेकर ब्रिटेन ने सभी हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक नई पीढ़ी के स्टेल्थ बम से अटलांटिक से गुजरने वाले विमानों को निशाना बनाया जा सकता है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि अमेरिका की तरफ जाने वाले विमानों को निशाना बनाने के लिए सीरिया और यमन के 2 आतंकवादी नेटवर्कों ने गठजोड़ कर लिया है। ब्रिटेन के परिवहन मंत्री पैट्रिक मैकलॉगलिन ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि ये उपाय लोगों की सुरक्षा के लिए किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन की सरकार इन सुरक्षा बदलावों के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दे रही है, लेकिन सुरक्षा कड़ी किए जाने की बात से उन्होंने इनकार नहीं किया। ब्राजील के साओ पाउलो शहर में नेशनल फ्रंट ऑफ रेजिस्टेंस के झंडे के तले बेघर और भूमिहीन श्रमिकों ने शहरी और कृषि सुधार के लिए रैली निकाली। उनकी मांग थी कि बड़े कृषि फार्मों की तुलना में छोटे छोटे खेतों को बढ़ावा दिया जाए जिसमें परिवार के सदस्यों द्वारा उत्पादन किया जा सके। विश्व कप से पहले मेट्रो श्रमिक 5 दिन की हड़ताल पर चले गए थे। इस प्रकार अन्य आंदोलनकारी गुटों ने भी इसको समर्थन दिया। इसके साथ ही साओ पाउलो विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी ब्राजील में स्वास्थ्य, शिक्षा और सार्वजनिक यातायात में सुधार की मांग की। परागवे में आई भयानक बाढ़ से बेघर हुए लोगों के लिए राहत और बचाव कार्य अब तेज हो गया है। भारी बारिश से नदी में आई बाढ़ से 2,00,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए थे। संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख एजेंसियां बेघर हुए लोगों विशेषकर बच्चों की मूलभूत आवश्यकताओं को उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि बाढ़ से परागवे की राजधानी सहित 17 में से 9 प्रांत प्रभावित हुए हैं। ये बाढ़ परागवे नदी से आई है। अधिकारियों का कहना है कि ब्राजील के दक्षिणी राज्य रियो ग्रांड डो सुल और सांता कैटरीना में बाढ़ से 50,000 से अधिक लोग बेघर हुए हैं, तो वहीं ब्राजील के 100 से अधिक शहर भारी बारिश से प्रभावित हुए हैं। ब्राजील में विश्व कप फुटबॉल की मेजबानी कर रहे शहरों में से एक बेलो हॉरिजॉन्टे में ओवरपास के गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए। ओवरपास अभी निर्माणाधीन था और ये नीचे से जा रहे वाहनों पर आ गिरा। बेलो हॉरिजॉन्टे में अगले मंगलवार को एक सेमीफाइनल मैच भी खेला जाना है जहां विश्व कप देखने के लिए बड़ी संख्या में विदेशी भी जुट रहे हैं।